एक के बाद एक रिकॉर्ड सेट होते ही जा रहे हैं। वेल, अब जिस रिकॉर्ड की मैं बात करने जा रही हूँ उसके लिए आप अपने दिलों की धड़कनों को जरूर थाम लीजिए। वेल, हेलो गाइज एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा, दिस इज ज्योति नाहक। गाइज, सलमान खान ने इतने सारे बेंचमार्क्स क्रिएट किए हैं भारत के बाद से, चाहे वो 5 डिफरेंट लुक्स की बात हो, चाहे वो फ्रांस में थिएट्रिकल रिलीज की बात हो, चाहे वो फिर अगर इस बात की बात हो कि इंडिया में सलमान खान के करियर की बिगेस्ट ओपनर बनी है भारत। लेकिन उसके अलावा एक और नया ट्रेंड सलमान ने सेट कर दिया और वो ये है, सलमान खान बॉलीवुड के ऐसे इकलौते एक्टर बन चुके हैं जिनकी 14 फिल्म्स 100 करोड़ प्लस क्लब्स में हैं। वेल, दैट इज़ अ बिग नंबर। सलमान के अलावा और किसी भी बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस की फिल्म 100 करोड़ क्लब में इतनी सारी काउंटिंग्स नहीं है जितनी सलमान की है। वेल, अगर बात की जाए, भारत तो एंटर हो ही चुकी है, भारत हैज़ बिकम द 14th फिल्म जिसको सलमान खान ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री दिलवाई है। ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा नंबर है, हर फिल्म सलमान की अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ तो डेफिनेटली कमा लेती है। अब चलिए नंबर्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ, अगर बात की जाए 100 करोड़ क्लब की, 9 फिल्में इंक्लूडिंग भारत आगे कितना ग्रो करने वाली है ये फिलहाल नहीं पता है, लेकिन हाँ 100 करोड़ डेफिनेटली पार कर चुकी है ये फिल्म। यानी भारत को मिलाकर 9 फिल्में हैं सलमान खान की जिन्होंने 100 करोड़ कमाई की है। उसके बाद अगर बात की जाए 200 करोड़ क्लब की, तो 2 फिल्में हैं सलमान खान की जो डेफिनेटली 200 करोड़ क्लब एंटर कर चुकी हैं। और अब बात की जाए बम्पर कलेक्शन यानी 300 करोड़ की, तो ऐसी 3 फिल्में हैं सलमान खान की जो 300 करोड़ क्लब में है। वेल, ये इकलौते एक्टर बने हैं सलमान खान जिन्होंने इतनी सारी पिक्चर्स की हैं, इतने सारे फिल्म्स हैं जो कि 100 करोड़ क्लब में एंटर कर चुके हैं। वेल, आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में, वीडियो के नीचे जाके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल मूवीज अड्डा।